हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एलपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आप सर्वनु एमां हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छू। आजे आपणे धोरण 8 विषय हिंदी एमां प्रथम जे काव्य यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको कविता, वो आप सीख गए तो उसका जो स्वाध्याय है वो आपको मैं अभ्यास और स्वाध्याय दोनों की पहचान करवाती हूँ और उसके इन शॉर्ट उत्तर देती हूँ। पहली ये कविता है, इसका नाम है तेरी है जमीन। उसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं हमारी नोटबुक में। शब्दार्थ नीचे दिए गए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, और अभी आपको इस पाठ का अभ्यास दिख रहा होगा, तो ये अभ्यास के प्रश्न आपको लिखने हैं और स्वाध्याय भी लिखना है। प्रश्न एक है कि यह प्रश्न छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाए जाए और इसका समूह गान करवाए। तो इसका समूह गान तो हम आपसे मिलेंगे तब करवाएंगे। और अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, अपने मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है? सर्वोपरि है ईश्वर, जो हमें जिसने हमें जन्म दिया है, ये सृष्टि की रचना की है, इसलिए हम उसको सर्वोपरि कहते हैं। सबका रखवाला कौन है? तो ईश्वर है, भगवान है। दूसरा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मैं जो करती हूँ वो अलग है, आप करते हैं वो अलग है। आप सबको अपने मुताबिक इसका जवाब लिखना है। मैं कहती हूँ कि मैं भगवान को बोलती हूँ कि हमेशा सभी को स्वस्थ रखे, सद्बुद्धि दे और सभी को सभी की रक्षा करे। तीसरा है प्रश्न, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो आप जो जो भी समय पर भगवान को याद करते प्रार्थना करते वो समय लिखिए। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम हमें भगवान को याद, ऐसे तो हमें हर पल याद करना चाहिए पर तीनों टाइम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर की वजह से ही हमें इतनी सुंदर सृष्टि और इतना अच्छा जन्म मिला है, तो हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हम जैसे कि मंदिर में जाते हैं, कोई गुरुद्वारा में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह है वहाँ लोग प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखे। ये तो आप जब छोटे थे वहां से सीखते सीखते यहाँ तक आ चुके हैं कि आठवीं कक्षा में आ चुके हैं, तो ये तो आपको अपने आप ही लिखना है। इसका ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगी, आपको अपनी बुद्धिमत्ता के साथ चल के लिखना है। चौथा, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सूर्य को देखकर आपको जो भी कविता आती है वो आपको लिखनी है। प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कविता लिखी, मैंने तो वचन बदलना है, तो आपने कविता लिखी। दूसरा है, यह मेरी किताब है, तो वचन बदलेंगे यह तुम्हारी किताब है या यह तेरी किताब है। तीसरा है, इसे लड्डू दे दो, तो हम वचन बदलेंगे मुझे लड्डू दे दो। बराबर, अभी स्वाध्याय की बारी है, उसमें भी प्रश्न एक दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं है कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। इस संसार में हम सभी कोई न कोई अपराध करते रहते हैं, तो ईश्वर को हमें कहना चाहिए कि हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी रहमत रखे, अपना प्यार रखे, हर लोग की खबर रखे और दुनिया पर आने वाली कोई भी समस्या को दूर करे।
कवि ईश्वर से ये चाहते हैं आपको लिखना है। उसके बाद है दूसरा, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कविता कवि क्यों कहते हैं कविता में, तो उसका उत्तर आपको मैं बताती हूँ कि दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है कि कवि कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से हमें प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसके भरोसे ही है क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इस तरह कवि भगवान को बोल रहे हैं कि अपनी नजर हम पे रखना क्योंकि सब आपने दिया हुआ है। तीसरा, कवि इसे सबसे ताकत वाला मानते हैं क्यों, तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वस्व है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले भी सकता है, वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है और इस तरह कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानता है। चौथा है, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर हमें रहना चाहिए क्योंकि सबसे शक्तिशाली और सर्वोपरि कौन है, तो ईश्वर है, तो हमें उसके सामने सर झुका के रखना चाहिए, ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए। वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे सबकी आफतें दूर करे, ऐसा कवि भगवान को बोलते हैं। अभी है दूसरा प्रश्न, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। हमारा जो काव्य है उससे जुड़ी हुई ये भाव है, उस पे हमें ढूंढना है कि काव्य पंक्तियां कौन सी इसमें सही बैठेंगी। तो हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इसीलिए कवि बोलते हैं कि इसमें कौन सी पंक्ति आएगी, तो तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म जो पाए हैं, अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, किस हाल में हम हैं वो हमारे पे नजर रखना। दूसरी है प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। उसमें कौन सी आएगी, तो तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, वो जो पंक्ति है वो इसमें आएगा, बराबर। तीसरा है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मैंने लिख दिया है इसमें, आप देख सकते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय, बराबर। चौथा है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है, एक पिक्चर का नाम है द बर्निंग ट्रेन, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। तो तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, ऐसी ही कोई एक प्रार्थना लिखो जो किसी की फिल्म में रह चुकी हो। तो एक है कविता कि ए मालिक तेरे बंदे हम, वो हम लिख सकते हैं। तो आप सभी को एक और प्रार्थना लिखनी है, तो एक नाम मैं दे रही हूँ कि ए मालिक तेरे बंदे हम। पांचवा प्रश्न है, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। हम गुजराती लोग हैं तो गुजराती भाषा में हमें इसका अनुवाद करना है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अभी तक यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरा जो हम देख लेते हैं क्या आता है,
पहली तो कविता थी, दूसरी कहानी है ईदगाह, वो सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों।